मुझे चाहिए पढ़ा लिखा पाकिस्तान। कौन है जो सवालों के जवाब दे पाएगा? आप दोनों दे पाएंगे। आइए सर, और वो चश्मे वाले अंकल आइए, आंटी के साथ आ जाइए। आइए आइए आंटी, बड़ा बच्चे आ जाइए। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और पाकिस्तानियों से सवालों का सिलसिला हम करेंगे अभी शुरू। अब देखते हैं कि कितने पानी में है पाकिस्तानी और कितने जवाब दे पाते हैं। अगर सही जवाब देंगे तो यहाँ से 1,00,000 रुपए लेकर जा सकते हैं आप। सर नाम क्या है आपका? सलमान। सलमान, और आपका क्या नाम है? माइक माइक उठाए, माइक उठाए। क्या नाम है? मिस्बा। मिस्बा, सलमान और मिस्बा, समझा रहा हूँ आपको करना क्या है। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसके 3 जवाब आते हैं, मतलब के 3 ऑप्शंस हैं, ए बी और सी। अगर आपको लगता है ए सही है तो ये सारे पैसे जो कि 1,00,000 रुपए हैं 55,000 की गड्डियों की सूरत में आप उस ऑप्शन पे रख देंगे। अगर आपको लगता है ये सही है तो इस पे, अगर आपको लगता है ये सही है तो इस पे, अगर आपको लगता है ए और बी में कुछ गड़बड़ है, कन्फ्यूजन है, तो पैसे डिवाइड कर दें। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता और तीनों में डिवाइड करना चाहते हैं तो उस पे अकॉर्डिंगली डिवाइड करें जहां आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। पहले सवाल के जवाब के लिए आपके पास होगा 1 मिनट, दूसरे के लिए 40 सेकंड और तीसरे के लिए 30 सेकंड। और पैसे आप तब जीतेंगे जब आप अगली पार्टी से ज्यादा पैसे जीतेंगे। अगर आपने 40 जीते हैं तो उनको आपसे कम जीतने चाहिए, अगर आपने 50 जीते हैं तो भी उनको आपसे कम जीतने चाहिए, तो ही आपको पैसे मिलेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल एआरएस वॉलेट की तरफ से और वो है जीत के दिखाओ में। ये इनमें से कुवैत की करेंसी कौन सी है? ए दिनार, बी दरहम या फिर सी रियाल। कौन सी है कुवैत की करेंसी? आपके पास 1 मिनट है इस सवाल का जवाब देने के लिए। दे दिया, पक्की बात है? पक्की बात, आखिरी फैसला है आपका। भाई इन्होंने कहा कि कुवैत की जो करेंसी है वो दिनार है, तो रोक देते हैं, हमने टाइमर रोक दिया। भाई जिनको लगता है इन्होंने सही जवाब दिया है तालियां बजाइएगा जरा, बड़ा दिनारों का पता है भाई सबको। वेरी गुड, अच्छी बात है, चेहरे पे गरूर है सलमान के। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है और देखते हैं क्या है सही जवाब। और सही जवाब है दिनार। सही जवाब, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे। आपके सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 40 सेकंड। जो सवाल है ये, जी जनाब, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 364 ए, 365 बी या फिर 366 सी। क्या होगा आपका जवाब? फटाफट से बता दीजिएगा। हर 4 साल बाद लीप ईयर बाय द वे आता है। अब देखना यह है कि कितने दिनों के बाद आता है। फटाफट से बताइएगा लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 364 ए, 365 बी या फिर 366 सी। वक्त गुजरता जा रहा है, 366। आखिरी 14 सेकंड रह गए हैं। सी, जो करना है कर ले, आखिरी 10 सेकंड और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, बस। पब्लिक बताएगी, शॉल वाला दोस्त बताएगा। माइक दो भाई, फटाफट से बेटा माइक दे। हाँ भाई, फरवरी में सी, सी में कितने दिन है? 66, 366। ओके मेरी बहन, कितने दिन होते हैं? 66। तो कम आ रही हो बहन, पता है? अच्छा आप बताओ बहन, आपके तो पता ही। ये लो माइक, मैचिंग का माइक, बताओ। हाँ, 366। हाँ भाई, सना सना बताओ, राशि से पूछ के बताओ कब होता है ऐसा जी? अरे बाकी राशि से पूछ, 365 दिन होते हैं। अरे वो तो साल में होते हैं, साल में 300। लीप ईयर में, लीप ईयर में कितने हो? वो तो वो चीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, लीप ईयर की बात कर रहे हैं। हाँ तुम बताओ बच्चे कितने? 366। आप लोगों ने रखे कितने पैसे 366 पे? 65। 65,000 रुपए आपने रखे हैं ऑप्शन सी 366 पर, 20,000 रुपए आपने रखे हैं ऑप्शन बी दैट इज 365 पर, और 15,000 रुपए हमारी बहन ने 364 पे रख दिए। आइए देखते हैं क्या है सही जवाब। और सही जवाब है 366। वो तब क्या सलमान आप पे, मैं तो कह रहा था। लेकिन भाई अफसोस की बात है कि आप लोगों ने अपने कम अज कम 45,000 रुपए गवाए, 35,000 रुपए आपने गवाए हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल आप लोगों के लिए क्या है। जी जनाब, सबसे ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क का नाम बताइए। ए कनाडा, बी स्वीडन या फिर सी इंडोनेशिया। कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा? अंगूठा मुंह में क्यों ले लिया है भाई, बताओ, फैसला करो। बचपन याद आ गया उनको अचानक से, फैसला करें। आखिरी 20 सेकंड रह गए हैं। सबसे ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल कौन सा मुल्क है? ए कनाडा, बी स्वीडन या फिर सी इंडोनेशिया। फटाफट से बता दीजिए।
जल्दी 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 वक्त गुजरता जा रहा है. ओके डन. क्या हुआ? ये देखे हाथ मत लगाओ भाभी, वो करता कुछ नहीं है, सब आपके. कोई बात नहीं भाई है तो क्या हुआ. अब देखते हैं 5,000 5,000 इसका मतलब है यहाँ आपने लगाए 55,000 55,000. बहन भाई का फड्डा शुरू हो चुका है शदीद, वो ऑन नहीं कर रहे हैं. 5 सेकंड और दे रहा हूं, चाहिए 5 सेकंड. 5 4 3 2 1 बस. ये बीच में जो कीचड़ हुआ है इसका क्या है? क्या किया ये? बस कुछ नहीं करो, खत्म. 5 सेकंड. 5 4 3 2 1 बस. चकिया फिर भी वही है. अच्छा मैंने नोट किया, तीनों बारी में नहीं पता था. हाँ पता. ये एक्टिंग कर रहा है, मुझे सब पता, तुम करो. अब देखते हैं 10,000 20,000 30,000 रुपए इन्होंने रखे हैं ऑप्शन बी पर, और 35,000 रुपए रखे हैं ऑप्शन ए पर. पब्लिक बताएगी. सर आप बताएंगे, आप तो कनाडा के बाशिंदे भी लगते हैं मुझे. माई दो क्या है सही जवाब सर? इंडोनेशिया सी. इंडोनेशिया पे तो कुछ भी नहीं रखा. ओ माय गॉड. बच्चे तुम्हें तो पता ही होगा जजीरों के बारे में. माइक दो. हाँ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया उस आंटी आपको तो पता ही होगा. आंटी को माइक दे. आंटी तुक्का तो नहीं लगा रही आप, भेड़ चाल जो ये बोल रहे हैं वो ही बोलूंगी. नो पता है आपको. वेरी गुड. उसको माइक दे. हाँ बच्चे बताओ. इंडोनेशिया. भाई ये तो सब इंडोनेशिया कह रहे. सलमान. इन्होंने इंडोनेशिया पे अपना भाई रख दिया सलमान. और तो कुछ नहीं. सलमान शुगर है इसमें, पंजाब नहीं लिखा हुआ था वरना ये लोग बोल रहे. आइए देखते हैं क्या है सही जवाब. और सही जवाब है अल्लाह. कौन की आंटी? आंटी आंटी आप तो मुझे गलत बता रही थी. आमतौर पर इंडोनेशिया को समझा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है. अब देखना ये क्या सिचुएशन. 10 और 35,000 रुपए यहाँ पे है और 30,000 रुपए इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए आपने बचाए हैं. अब देखना यह है कि अगली टीम क्या करती है. आइए सर फटाफट से आ जाइए. आपको जीतने के लिए 30,000 से ज्यादा जीतने पड़ेंगे. माइक उठा लीजिए और अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए. सर क्या नाम है आपका? ताहिर कुरैशी. ताहिर साहब. और आंटी आपका क्या नाम है? सना. सना आप भी. आज क्या सना का एक्सपीडिशन चल रहा है? सना डे. क्या है मसला? ओके शुरुआत कर लेते हैं. याद रहे पहले सवाल के जवाब के लिए 60 सेकंड, दूसरे के लिए 40 और तीसरे के लिए 30 सेकंड. आप लोग क्या लगते हैं दूसरे के? मिसेज. वेरी गुड. अच्छी बात है उन्होंने ऑन नहीं किया आपको अभी तक, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया. आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है. पहला सवाल हम करने जा रहे हैं और वो है ये. शहर ओकाड़ा पाकिस्तान के किस सूबे में वाकई है? ए बलोचिस्तान, बी पंजाब या फिर सी खैबर पख्तूनख्वा. कुरैशी साहब जज्बाती हो गए हैं, तेज हो गए. कुरैशी साहब ने इतने पैसे बहुत दिन के बाद देखे हैं और अचानक से उन्होंने कहा पकड़ो पैसा, आ गया है पैसा हाथ में. हो गया. सही है सर? ठीक है. ओकान से ये लफ्ज निकला है. ओकाड़ा दरख्त का नाम है. अब देखते हैं कि आपने कहा बी पंजाब, देखते हैं क्या ऐसा है या फिर नहीं है. लेट्स सी. सही जवाब है पंजाब. बिल्कुल सही जवाब कुरैशी साहब. जबरदस्त. इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड. सवाल करने जा रहे हैं अगला और वो है ये. सबसे ज्यादा बार हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किस मुल्क के पास है? ए पाकिस्तान, बी नेदरलैंड्स या फिर सी जर्मनी. अंकल कुरैशी. अरे भाई ये पैसे को छोड़ ही नहीं रहे हैं, बेगम को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे हैं. सारा पैसा मैं लेकर जाऊंगा. लेकिन मैथमेटिक्स का कोई सम सॉल्व कर रहे हैं? हो गया सर जी. नेदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं वैसे, आपस की बात है. पाकिस्तान में लगा दिए पैसे आपने? जर्मनी. तो ये पाकिस्तान को खुश किया आपने? पाकिस्तान उम्मीद है आपको कभी जीतेगा. हमने हॉकी चैंपियन रहा है. थी तो इस चक्कर में आपने लगा दिया. वर्ल्ड कप जो कहा है तो मैं आई थिंक शायद जर्मनी. आपकी मर्जी है. टाइम जा रहा है. 5 सेकंड है. रखने रख दो रख दो. लोगों को बर्बाद कर देती हो तुम. क्या किया इन्होंने यमिना? गलत किया. यमिना कह रही है गलत किया. तुम्हें लगता है पाकिस्तान नहीं है जिसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है, ऐसा ही है ना? आपको क्या लगता है सर? जर्मनी. जर्मनी. आपको क्या लगता है? जर्मनी. आपको क्या लगता है बहन? जर्मनी लगता है. आपको क्या लगता है सर? जर्मनी. जर्मनी लगता है. हाँ बहन बताओ क्या लगता है? ये घर पे ऐसे डांस करके दिखाता है आप लोग हैं?
नहीं दिखा था, आज देखा, अच्छी बात भाई। इन्होंने कहा कि जर्मनी पे लोगों को ज्यादा भरोसा है और लगता है पाकिस्तान ने नहीं किया। 20, 30, 40, 50, 55 यहाँ और 45 यहाँ। कुछ करना चाहते हैं? 5 सेकंड दे रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1, बस। ये मुर्गी की तरह क्यों डालते हैं इसमें आप? क्यों करेंगे, आराम से रखें। पाकिस्तान में बिल्कुल भरोसा नहीं आपको? चले फिर 5 सेकंड देता हूं आपको, 5, 4, 3, 2। अल्लाह, ये किसी प्रेशर में कर रहे हैं आपको? अल्लाह, जिनको लगता है कि जर्मनी सही जवाब है, तालियां बजाओ। ओके, अब देखते हैं क्या है सही जवाब। और सही जवाब है पाकिस्तान। चार बार अपने पाकिस्तानियों पे भरोसा करो दोस्तों, भरोसा करो।